जनपद संभल में लॉकडाउन की वजह से भूख से जूझ रहे गरीब तबके के लोगों के लिए चंदोसी तहसील के छोटे से गांव घुमथल के युवा विनय का कम्युनिटी किचन अक्षय पात्र बन गया है। लॉकडाउन में भोजन की समस्या से जूझ रहे 35 गांव के 1000 लोगों को रोजाना किसी भी प्रकार की सरकारी मदद बिना डोर टू डोर फ्री खाना मुहैया करा रहे युवा विनय अपने इस समाज सेवा के जज्बे से समाज और देश के लिए मिसाल बन गए हैं। जनपद संभल में लॉकडाउन में पिछले 11 दिन से हजारों लोगों को डोर टू डोर फ्री खाना मुहैया करा रहे संभल जिले की चंदोसी तहसील के घुमथल गांव के विनय अपने समाज सेवा के जज्बे से लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। तहसील चंदोसी के घुमथल गांव के विनय लॉकडाउन में आर्थिक और खाद्य सामग्री की तंगी के चलते भूख से जूझ रहे लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पिछले 11 दिन से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। विनय अपने 50 वॉलंटियर साथियों की मदद से इलाके के 35 गांव के 2500 से लेकर 3000 लोगों को डोर टू डोर खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन में खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए विनय और उनके साथियों का ये कम्युनिटी किचन अक्षय पात्र बन गया है। किसी भी तरह की सरकारी मदद के बिना विनय अपने कुछ साथियों की मदद से पिछले 11 दिनों से इस कम्युनिटी किचन को चला रहे हैं। विनय ने जरूरतमंदों के लिए अपने इस कम्युनिटी किचन में खाना तैयार करने के लिए डोर टू डोर खाने के पैकेट पहुंचाने के लिए काबिले तारीफ प्रबंध किया है। सभी जरूरतमंदों तक खाने के पैकेट पहुंच सके इसके लिए वॉलंटियर टीम, आईटी सेल, कुकिंग टीम से लेकर प्रबंध टीम बनाई गई है। 35 गांव के 3000 जरूरतमंदों तक खाने के पैकेट समय से पहुंच सके इसके लिए गांव को कई सेक्टर में बांटकर हर सेक्टर में एक व्यक्ति को खाने के पैकेट के वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर कम्युनिटी किचन के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आने के बाद जरूरतमंदों के नाम की लिस्ट बनाकर आईटी सेल टीम द्वारा कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाता है। कंप्यूटर में फीड डाटा के अनुसार खाने के पैकेट तैयार कर कम्युनिटी किचन के 50 वॉलंटियर इलाके के 35 गाँव में लगभग 3000 जरूरतमंदों तक खाने के ये पैकेट पहुँचाते हैं। विनय के इस कम्युनिटी किचन में गाँव के युवा और ग्रामीण ही नहीं बुजुर्ग महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं। विनय और उनके साथियों की मदद चलाए जा रहे इस कम्युनिटी किचन के हेल्पलाइन नंबर पर खाने की समस्या से जूझ रहे लोगों की कॉल की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन में सभी जरूरतमंदों को खाना मिल सके इसके लिए विनय और उनकी टीम लगातार दिन रात जुटी हुई है। प्रधान जी, आप घुमथल गांव में जो लोगों को निःशुल्क खाना वितरण कर रहे हैं, जो भूखे हैं लोग, जो परेशान हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? ये मेरे मन में आया था कि जो जिनका रोजगार इस समय बंद हो गया और जो डेली के डेली जो अपने खाने पीने की व्यवस्था करते थे, तो ये मैंने शुरुआत अपने गांव से करी थी क्योंकि मेरा बहुत बड़ा गांव है और लगभग इसमें 10,000 की आबादी है। तो मुझे उन लोगों की फिक्र थी कि मात्र 200 परिवार ही हमारे यहाँ सक्षम है जो खुद अपनी भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। बची कुची रसोई की व्यवस्था 21-22 दिन तक लगातार एक उसको चलाना जो है काफ़ी मुश्किल था। तो इसीलिए हमने जो है एक गाँव में अपने 55 वॉलंटियर खड़े करे हर मोहल्ले में, हर कास्ट के, ताकि जो है हम हर आदमी की फिक्र कर सके कि कोई भूखा ना सोए। उन्हीं के लिए हमने अपनी भोजन की व्यवस्था चालू करी थी। आज हमारा जो है इसका 10वां दिन है और ये जो है लगभग आज हमारे 2000 भोजन घर पहुंचाने की हमारी आज जिम्मेदारी है। 2000 लोगों के लिए हम होम डिलीवरी घर पर ही उनके लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जो अपना लॉकडाउन है वो उसका अधिकतम उसका पालन हो। यदि हम उनको कच्चा राशन यदि उनके घर पहुंचाते हैं तो उन्हें उस सब्जी और आटे के अलावा अतिरिक्त जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं हम उनको उपलब्ध नहीं करा पाते, जैसे गैस, नमक, मिर्च, घी, तेल, रसोई की व्यवस्थित करने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमने रेडीमेड उनको पैक्ड खाना तैयार कराया है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारा लक्ष्य है 10,000 लोगों को पर डे भोजन कराने की हमारी क्षमता है और हमारी टीम उसी के साथ काम कर रही है। अभी हम फिलहाल जो है उनको पूरी सब्जी और कुछ जैसे खीर या अचार, इस तरह से चावल, ये हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं।